हरिफ जब हमारे पास आए तो उनका मेन कंसर्न था कि उनकी लेफ्ट साइड जो है फेस की दाढ़ी वहाँ पे बाल नहीं आते हैं। सो जब हमने आरिफ से डिस्कशन किया, जब एग्ज़ाम किया, तो हमें उन्होंने बताया कि बचपन में उनके बर्न हुआ था फेस पे, और जैसे जैसे एज उसके बाद प्रोग्रेस की, फेस पे बाल आने शुरू हुए, फेस पे बाल सिर्फ उनकी राइट साइड की दाढ़ी में आए और लेफ्ट साइड में नहीं आए। सो इसका जो कारण होता है वो ये होता है कि वो जो बर्न चाइल्डहुड में हुआ था आरिफ के, वो डीप बर्न था, और उस डीप बर्न में जो हेयर फॉलिकल है उसकी रूट भी जल जाती है, और वो आगे जाके उस जगह पे, उस हेयर बियरिंग एरिया में, चाहे वो बियर्ड हो चाहे स्कैल्प हो, बाल नहीं आते हैं। सो आरिफ का मेन कंसर्न था कि आधे फेस पे, आधी बियर्ड पे बाल है, आधी पे नहीं है, और निशान दिखाई देता है उनका जो वो बचपन में जले थे उसका। सो ऐसे केस को ट्रीट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इस केस में स्पेसिफिकली आरिफ के केस में क्या चैलेंजेस हमने फेस किए वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज था कि आरिफ के बचपन में बर्न हुआ था। बर्न के जो विक्टिम्स होते हैं वो हर तरह से फिजिकली, साइकोलॉजिकली, देन फाइनेंशियली ड्रेन्ड होते हैं एक तरह से, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ऑलरेडी लंबा चल चुका होता है, तो काफ़ी स्केप्टिकल होते हैं, काफ़ी डाउटफुल होते हैं वो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए फ्यूचर। और उसके अलावा क्लिनिकली अगर हम देखें तो हमारे लिए क्या चैलेंजिंग था कि जो बर्न हुआ था जिस एरिया में, बियर्ड एरिया में जहाँ स्कारिंग थी, वहाँ पे बाल लगाना वो एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, क्योंकि वो जो स्कार होता है उसकी ब्लड सप्लाई कम होती है, उसमें जो हम डेंसिटी दे सकते हैं वो एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं दे सकते हैं, जो ग्राफ्ट्स हम लगाते हैं उनका सर्वाइवल थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, और मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत उन पेशेंट्स में पड़ सकती है अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं ऐसे बर्न पेशेंट्स में, बर्न स्कार को कवर करने के लिए, स्पेशली हेयर बियरिंग एरिया के अंदर। जब हमने आरिफ की काउंसलिंग की, सारा डिस्कशन किया प्रोसीजर से पहले, तो ये सारी चीज़ें हमने उन्हें क्लियरली समझाई, हमने उन्हें प्रोसीजर बताया कि कैसे उनका प्रोसीजर होगा, फिर हमने उनका प्रोसीजर प्लान किया। प्लानिंग का सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि बियर्ड जो उनकी है, जो लेफ्ट साइड की नहीं है, उसको बिल्कुल राइट साइड के बियर्ड जैसा बनाना, बिल्कुल नेचुरल लुकिंग और सिमेट्रिक। सो वो हमने प्रॉपर एक तरीके से मार्किंग की, जिससे कि लेफ्ट साइड की बियर्ड भी जो आए वो राइट साइड के सिमेट्री में आए और नेचुरल लगे। इसके अलावा जो बाल हमें हार्वेस्ट करने थे स्कैल्प एरिया से, वो किस टेक्निक से करने हैं, वो भी हमने इस तरह से डिसाइड किया कि आरिफ के केस में बियर्ड का जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा था कवर करने के लिए, और रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राफ्ट ज़्यादा थी, तो हमने कॉम्बिनेशन टेक्निक यूज़ की, FUT और FUV, जिससे कि हमें ग्राफ्ट भी ज़्यादा मिल सके, हम दोनों टेक्निक्स की एडवांटेजेस भी यूज़ कर सकें, और डोनर एरिया में भी कुछ पता नहीं लगे कि वहाँ से भी ग्राफ्ट हमने हार्वेस्ट किए हैं। अब आरिफ का प्रोसीजर हुए करीब 8 से 9 महीने हो गए हैं, और हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि जो उनके फेस पे जो बियर्ड ग्रो हुई है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, लेफ्ट साइड पे फेस पे वो बिल्कुल नेचुरल है, हाई डेंसिटी है, और राइट साइड से प्रॉपर मैच करते हुए है। हम नहीं उसमें, हम या कोई भी नहीं बता सकता है उसमें कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। और अगर हम इसी चीज़ को साइड व्यू में देखते हैं तो बिल्कुल एक नेचुरल लुक आ रहा है, कहीं पे भी कोई कॉबल स्टोनिंग की अपीयरेंस नहीं है, कहीं ऐसा अपीयरेंस नहीं आ रहा है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट की भी बियर्ड है या दाढ़ी है। आरिफ के केस में बियर्ड ट्रांसप्लांट के बाद स्पेशली जो बर्न विक्टिम थे, जिनका बर्न का स्कार भी था फेस पे, अब हम बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से आरिफ का कॉन्फिडेंस एक तरह से वापस आ गया है, और वो कितने अच्छे लग रहे हैं। सो जो मैसेज हम इस वीडियो में देना चाहते हैं वो ये है कि अगर आप बर्न विक्टिम हैं और आपके बॉडी के किसी भी ऐसे हेयर बियरिंग एरिया में बर्न हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पे बाल चले गए हैं, तो आप अगर आप कंसल्ट करते हैं प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन से, तो वो आपको गाइड कर पाएंगे प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद कि उस एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं, और अगर उस एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट की पॉसिबिलिटी है तो आप बहुत आराम से उस हेयर बियरिंग एरिया को, उस स्कार्ड एरिया को ट्रांसप्लांट करवा के, हेयर ट्रांसप्लांट करवा के बालों से कवर करवा सकते हैं और एक नेचुरल लुक अटेन कर सकते हैं। और जो भी हमारे बर्न विक्टिम पेशेंट्स जो इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं कि हेयर बियरिंग एरिया में बर्न होने की वजह से वहाँ बाल नहीं है और वो ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो हमारे क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट्स के लिए, बर्न विक्टिम्स के लिए, हम डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे उनका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, सो दैट वो एक बेटर लाइफ जी सकें आगे फ्यूचर में। थैंक यू।